कपिल भाजी एक बार बताओ जी, आपका शो चल रहा है ठीक है, आपने मूवीज कर ली, आप प्रमोशंस पे आ रहे हो, अब आपको कभी आपने सोचा था आप हमारे साथ ई टाइम्स पे? मैंने बिल्कुल सोचा था, जब मैं फिल्म कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि हम जब प्रमोशन के लिए जाएंगे तो ई टाइम्स पे डेफिनेटली जाएंगे, है ना, और बड़ी कलरफुल बालों वाली नेहा के साथ बैठ के बातें करेंगे। अभी इनको हम शहाना बनाएंगे। अच्छा ठीक है, आपको बैठना भी वैसे ही है तो मैं हॉट कैसे दिखूं अभी? चेस्ट आगे ऐसे या ये करके मुझे बहुत मजा आया। और कपिल तो इतने कमाल के एक्टर हैं, ओ माय गॉड। व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू जस्ट कैन नॉट स्टैंड? लाइज, क्योंकि मैं झूठ कोई बोलता है ना तो मैं सच मान लेती हूँ, मुझे समझ नहीं आता है। मैं समझ लेती हूँ। हेलो हाय सस्रीकाल, नाले कॉपी टू ऑल एंड वेलकम टू ई टाइम्स वेयर एंड वी ब्रिंग यू अप क्लोज एंड पर्सनल विद योर लव्ड सेलिब्रिटीज। एंड आज जो सितारे हमारे साथ हैं उनमें से एक है जिन्होंने पूरी दुनिया को हंसाने का बीड़ा उठा रखा है, और जो दो हैं उन्होंने अपने क्राफ्ट से सबके दिल में जगह बनाने का बीड़ा उठा रखा है। सो विद अस वी हैव कपिल शर्मा, नंदिता दास एंड शहाना गोस्वामी। वेलकम टू ई टाइम्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पहले तो मैं बोलना चाहूंगी, हां जी, आई होप कि अगले इंट्रोडक्शन में ये इंट्रोडक्शन पलट जाए कि हम हंसाने का बीड़ा उठा ले और ये दिल में जगह बनाने का। बदल जाएगा, बना चुके हैं मैं आई एम वेटिंग फॉर द स्क्रीनिंग, तो हम देखते हैं वहाँ पे आप कितना और कितना दिल के अंदर कपिल बाजी आप जा सकते हो। लेट्स सी दैट। आ गया बस, दिल खोल के रेडी रखिए। हाँ, एंड सबसे पहला सवाल ना, मेरे को बड़ा मन था कसम से, इसकी तो मैंने इतनी प्रैक्टिस करी है ना, मिरर के आगे। हाँ, सो मिरर के आगे मैंने कसम से, कपिल बाजी एक बार बताओ जी, आपका शो चल रहा है ठीक है, आपने मूवीज कर ली, आप प्रमोशंस पे आ रहे हो, अब आपको कभी आपने सोचा था आप हमारे साथ ई टाइम्स पे? मैंने बिल्कुल सोचा था, जब मैं फिल्म कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि हम जब प्रमोशन के लिए जाएंगे तो ई टाइम्स पे डेफिनेटली जाएंगे, है ना, और बड़ी कलरफुल बालों वाली नेहा के साथ बैठ के बातें करेंगे। जेन्युइनली मतलब अभी ना मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मतलब पेरेंट्स तो सबके मूवीज देखते हैं, सारी चीजें होती है, बट जब मैंने स्पेसिफिकली अपने पापा को बोला ना कि पापा मैं कपिल शर्मा के इंटरव्यू ले, पहली बार उन्हें लगा कि हाँ अच्छा। मेरी बेटी जर्नलिस्ट है, तू ढंग का काम कर रही है, ढंग का काम कर रही है। बट आप लोग तब से इंटरव्यूज कर रहे हो, मुझे ना जेन्युइन बताना, जो मुझे पता है आप लोग के मन में, मैंने सुना अभी, कौन सा सवाल है जिसका जवाब दे देंगे ना आपको ऐसे हो गया बस करो ना, क्यों पूछ रहे हो? कौन सा ऐसा सवाल मुझे है? तो ये है कि कैसे सोचा आपने, कैसे सोचा? अब मुझे मन करता है मैं जवाब दे दूं, प्लीज दे दो प्लीज, क्योंकि हम सारी वेरिएशन सुन चुके हैं, अलग अलग वेरिएशन से ये ट्राई करती हैं कि एक्चुअली एक ऐसा सेशन होना चाहिए कि यही करते हैं ना, मैं जवाब दूंगी, मेरे लिए सवाल हो, ये देंगी सब एक ठीक है, बिकॉज़ वी नो इट ऑल। ओके शहाना, आप नंदिता मैम हो ठीक है, आप बताओ आपने कपिल के बारे में कैसे सोचा? देखिए मैंने एक्चुअली कपिल, ये लोग जानते नहीं है शायद, अब तो जानते हैं, लेकिन मैंने कभी इनका शो देखा नहीं था, और अचानक से मेरे फीड पे सडनली आई सॉ वन क्लिप ऑफ कपिल, वो कुछ शो होस्ट कर रहे थे और वहाँ पे इतनी सादगी से, इतने नेचुरली जो भी वो कर रहे थे, हंसा रहे थे या बात कर रहे थे, देर वॉज समथिंग वेरी रियल अबाउट हिम, एंड शायद बिकॉज देर वॉज दिस प्री कंसीव नोशन वगैरह नहीं थे, तो आई अप्रोच हिम, मैंने बस उनका नंबर मांगा, सब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रही है, अच्छा है, वेरी नाइस, आप सो जाओ, आपके सारे जवाब वो दे रहे हैं, आप अंदर जाके रेस्ट करो। But yeah, and then I contacted him and I wanted to meet him and he replied and when I met him is when I realized कि ये मेरे मानस है और इनमें वो एक जो relatability, एक common man का जो एक वो उन्होंने बहुत अच्छे से पकड़ के रखा है अपने अंदर, so that's what made me kind of identify. Thank you नंदिता, इतने अच्छे से ठीक है। अब नंदिता मैम आप कपिल हो ठीक है, पक्का पंजाबी जवानी आंदी नहीं ना, पंजाबी में इतनी सोनी तो तुसी बोल रहे हो, आए दसो। तो जब आपने पहली बार ये स्क्रिप्ट सुनी, सबसे पहला रिएक्शन क्या था जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी या नरेशन, जब भी जो हुआ, पहली बार प्रोजेक्ट मिला, पहला आपका रिएक्शन?
ये कहाँ से आ गया मैसेज? मैं गिन्नी के पास गया है, मैंने कहा गिन्नी देख रहा है नंता दास का मैसेज आया है, सच्चा क्या है? मुझे लगा कोई गेस्ट अपीयरेंस होगा, पर गेस्ट अपीयरेंस ही था एक्चुअली, वो मुझे फुल रोल था। और हम तो जब मिले 5 मिनट में मैंने तो डिसाइड कर लिया था, 50% तो मेरा तभी डिसाइड हो गया था कि नंता दास की फिल्म है, दूसरा 25% जब हम मिले 75% हो गया, फिर बस स्क्रिप्ट पढ़नी बाकी थी, तो वो बस 100% हो गया और हमने कर ली फिल्म। कितना अच्छा था, वाज हाउ गुड वाज दिस? मैं कौन हूँ? आप नहीं, अभी कपिल बताओ। अच्छा, वो भी कपिल थे ना। अच्छा, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? अभी अभी पर ये आइडिया आप मुझे बड़ा अच्छा दे दिया। हाँ, मैं अपने शो में ना ऐसा करूंगा, दो स्टार्स हैं, उनको बोलो तुम ये हो और तुम ये हो। एक्चुअली देखो हमसे जा रहे ई टाइम से, ठीक है? वैसे कंबाइंड आइडिया था, यहाँ पर रिकॉर्डेड है। हां, रिकॉर्डेड रिकॉर्ड। मैं कौन नहीं, मतलब शेयर्ड क्रेडिट है इस बात की, डायरेक्टर का माइंड भी है कंबाइंड शेयर्ड। उन्होंने कितना अच्छा कपिल किया पहले आप ये बताओ। इन्होंने बहुत अच्छा किया है, इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग साथ में बैठ के जब से प्रमोशन करने निकले ना, हम सबके जवाब तो हमें एक दूसरे के पता ही हैं, हमें एक दूसरे का भी सच्ची में पता है। मुझे ये भी पता है इसके बाद ये खाने में क्या ऑर्डर करेंगे शाम को, तो मैं इतना समझ चुके हैं हम लोग। सो हाँ, जैसा अनंता मैम ने कहा कि कपिल बन के नहीं, अभी इनको हम शहाना बनाएंगे। अच्छा, ठीक है, आपको बैठना भी वैसे ही है। तो मैं हॉट कैसे दिखूं? चेस्ट आगे ऐसे या परफेक्ट ऐसे ऐसे ही करके। आपके कैरेक्टर की आर्ट्स हमें बताइए, आपके कैरेक्टर के बारे में हमें बताइए। मैं इसमें जो प्ले कर रही हूँ प्रतिमा का किरदार, और मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, देखो है ना। सो अंदिता के साथ ये मेरी दूसरी फिल्म है, पहले मैंने फिराक में काम किया, और हमारी अच्छी एक ट्यूनिंग है। और मैं हमेशा ना उन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ जिनसे मेरा दिल मिलता है। मुझे सिर्फ काम के लिए काम नहीं करना है, और ये फिल्म जो है ये करके मुझे बहुत मज़ा आया। और कपिल तो इतने कमाल के एक्टर हैं, ओ माय गॉड, इट्स सच एन ऑनर प्लेजर टू वर्किंग विद कपिल शर्मा। नहीं, मेरा ध्यान उस तरह चला गया कि मैं थोड़ा वो भी दिखूं, हाँ, स्टाइल भी, मतलब स्टाइल भी आ जाए। हाँ। पर हम कहाँ से लाए भाई, अभी ये देखो आप, अब ये देख रहे हैं आप, दो अलग देखिए, दो अलग ट्विंस। ओह माय गॉड, आप इतनी प्यारी लग रही हैं नेहा, सच में जब गर्मियों में ना साइबेरियन पक्षी इंडिया आ जाते हैं उड़ते, मेरे को लग रहा है मेरे को लग रहा है अभी आप यहाँ पे जून जुलाई में फिर वापस चली जाएंगी। उड़ नहीं पाऊंगी ना पाजी, मैन है आपके पास। थैंक यू, ये मतलब आपको पता है मेरे हेयर ड्रेसर देखेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे, ये अलग से लगाएंगे वो। अच्छा, आपने करवाया, मुझे लगा होली का निकला नहीं अभी तक। नहीं, होली का नहीं निकला है। बट अगर हम ऐसे ही गप्पे मारते रहे तो मैं तो सीधे सवाल पूछ ही नहीं पाऊंगी। एक तो ना वैसे पूछो ना, कोई इंसान के साथ सवाल पूछते हैं, सब सीधे सवाल। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, आप डिलीवरी तो कर ही रहे हैं, तो अब मैं आप तीनों डिलीवरी वाले हो, ठीक है, आप तीनों डिलीवरी वाले हो, मैं आपको आर्टिस्ट के नाम बताऊंगी, आप मुझे बताना उनके यहाँ पे आप क्या डिलीवर करना पसंद करते हैं। कितना अलग सवाल है ना कपिल, डिड दिस कम अर्लियर आल्सो? ये कम आज, ये आई थिंक आज तक किसी ने, 20 मिनट हो गए किसी ने पूछा नहीं। चलो आज तक, आज देखो हम फुल तैयारी से आए हैं, नहीं करते ये सेगमेंट। ओए है, क्या बात है, नहीं करते, क्या बात है, स्पोंटेनिटी यही हमें चाहिए लाइफ में। चलो खेलते हैं ट्रूथ और डेयर, वो चलेगा? ठीक है, ओके। नाउ सिलेक्ट कपिल, सिलेक्ट 1 to 6 में से कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करिए, दिस इज फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रूथ। 1 to 6, हाँ, कोई भी एक नंबर। हाँ जी, ओके, कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करो। ओके, क्या मेरे को तो बताओ। मेरा जादू करना है। मैं भी सोचती हूं कि मन में कर रहा है, कार्ड्स दिख रही है, ओपी कर दो, ओपी ओपी नहीं। ओके, नंबर 2 का हमारा ट्रूथ का क्वेश्चन है, दैट इज हाउ डू यू डील विद अनवांटेड गेस्ट्स? अनवांटेड गेस्ट, हां, उनके साथ कैसे, कहां पे, मतलब घर पे? शो पे तो कर ही नहीं सकते, वो तो आपके कहने पे ही आते हैं, तो घर पे। घर पे एक्चुअली मुंबई शहर में ऐसा नहीं होता है, मतलब वहाँ पे लोग थोड़ा अलग कल्चर है। ये अमृतसर में हो सकता है कि बिना बताए आ जाते हैं हमारे दोस्त, हम सब भी ऐसे ही करते थे। मुंबई में ऐसा होता नहीं एक्चुअली, और पर अगर कोई आ भी जाए तो मिल लेते हैं, अगर घर पे हैं, फ्री हैं तो बात भी कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आते भी एक्चुअली नीचे कभी मिलने आते हैं। टरकाना हो तो कि नहीं, नहीं मन नहीं आज। हाँ नहीं, अगर मैं नींद में हूँ, मुझे कोई आगे बोले कि ऐसे ही कोई मिलने आ गया, नींद में नहीं। प्रायोरिटी स्ट्रेट है, नींद पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल। ओके, सो सीधा मना, नहीं हो पाएगा। ओके मैम, आप सिलेक्ट कीजिए, 2 नंबर हट चुका है, सो 1 to 6 के बीच में से 5। ओके, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू जस्ट कैन नॉट स्टैंड?
लाइज, क्योंकि मैं झूठ कोई बोलता है ना तो मैं सच मान लेती हूँ, मुझे समझ नहीं आता है कौन झूठ है। मुझे तो सच ही कह रहे होंगे, कोई झूठ क्यों बोलेगा। फिर जब पता चलता है कि झूठ बोला है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। इन्होंने कभी ऐसे सेट पे लेट पहुंचे हो, कभी ऐसे झूठ बोला हो कि नहीं मैं तो निकल गया था ट्रैफिक, है ना, कितनी बारी जी पंजाब का नाम खराब नजर हो तुसी। मैं बताना चाहता हूँ, नंता मैम ना सुबह सुबह 6 बजे शूट रखती थी। हाँ मैं भाई भी कभी कभी लेट भी हो जाता था, लेट भी हो जाता था मैं, पर इतने प्यार से कान भी पकड़ लेते थे, सॉरी आज ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो क्या करें, माफ कर। पर उठता मैं बहुत 3:30 बजे उठ जाता था मैं, हाँ, सोते नहीं, नहीं, वो, नहीं नहीं सोता नहीं, तो मैं दौड़ बौड़ लगानी होती थी ताकि थोड़ा सा ठीक दिखे बंदा, एनर्जी भी रहती ना आप वर्कआउट करके जाते हो तो। सो फिर हाँ बस थैंक यू, बस थैंक यू, इसलिए मैंने रायता नहीं फिलाना, मैं इतने में ठीक हूँ। नहीं कभी 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 पता क्या होता है, मैं बात करते करते ना मैं अपने फ्लो में निकल जाता हूँ, मैं सच्ची में सवाल भूल जाता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि क्या बोला था। फिर ना फिर एक दो लाइनें और बोलता रहता हूँ एक्स्ट्रा, सवाल क्या था, फिर जब मैं फंस जाता हूँ मैं बोलता हूँ सॉरी यार क्या पूछा था। नहीं बड़ा होता है मेरे साथ। नहीं नहीं हम इसको यहीं पे इतने पे। ओके आपकी बारी, 1 to 6, 5 इज डन एंड ओके 6 योर मोस्ट एंबैरसिंग मोमेंट। मोस्ट एंबैरसिंग मोमेंट, एक्चुअली मुझे किसी चीज़ से एम्बेरसमेंट होती नहीं है, मतलब वो एक सेकंड के लिए शायद होती है, लेकिन बचपन से मेरी आदत थी कि जो भी चीज़ मुझे लगे कि मैं एम्बेरस हो जाऊँ ना तो पहले ही बोल दूँ। मैं बचपन में मैं शायद ये पता नहीं टीवी के लिए ठीक है कि नहीं, लेकिन बचपन में एक होता था कि टॉयलेट में आप बड़े चीज़ करने जाओ स्कूल में तो लोग हंसते थे, है ना, लोग हंसते थे, मुझे लगता था जाहिर सी बात है यार लोग जाते हैं तो मैं पहले ही अनाउंस कर देती थी कि मैं नंबर टू करने जा रही हूँ, कॉल हंसता ही नहीं, साउंड इफेक्ट से प्रॉब्लम ना हो। हाँ साउंड इफेक्ट नहीं, लोग तो उससे पहले ही वो होते थे कि अच्छा इतना लेट आया कोई गीले गीले हाथ लेके, तो फिर उनको लगता था कि इसकी डिटेल में जाना जरूरी है, मतलब लगता था इतनी खूबसूरत है ये सब नहीं करती होंगी ये। बट मैंने भी ऐसे सुना था कहीं पर कि ऐश्वर्या राय भी पॉटी करती है, ऐसे किसी ने बोला था। ये मैं आपको बता दूं, द क्वीन आल्सो शिट्स, रिमेंबर दे यूज्ड टू से दैट। आपके दोस्त राजीव ठाकुर अपनी लास्ट मूवी प्रमोशंस पे जब मिले थे तो अपनी स्टार जो उनकी को स्टार थी तो उन्होंने डकार मारी, तो वो कहते हैं मुझे लगा था लड़कियों की तो पिंक डकार होती है। ओह गॉड, मिसकंसेप्शंस दैट वी हैव। अगेन 1 to 6 में से नहीं, मुझे बताना है 1 to 6 में नंबर 2। ओके आपने अपने फेवरेट एक्टर की एक्टिंग करनी है। फेवरेट एक्टर एक्चुअली मेरे बहुत सारे हैं, आप करके दिखाओ हम देखते पहचान पाते हैं। आप किस रूप में हमें देखना चाहती हैं मोहतरमा? इज दैट धर्मेंद्र जी? पता चल गया आपको, मैं तो लगा मेरी मिमिक्री भी था। ये वाह, ये एक्चुअली कम था, फिर भी पता चला। जैसे लग रहा है शो ज्यादा देखती हूं, मैं शो ज्यादा देखती हूं। ओके मैम योर टर्न, 1 to 6 में से 2 गया, व्हिच नंबर? 4 ही बचा है, मतलब 2 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, नया राउंड है ना। अच्छा डेयर है, सो 1 टू 6 में से 2 नहीं है। अच्छा 1 Post a funny selfie on social media. Yes! Post a funny selfie on social media. अभी करना पड़ेगा? Yes. करो, करो. कहाँ है आपका फोन? चल मेरा फोन लाओ. Post a funny selfie. फोन किधर है मैम का? ओए शांतनु. Funny selfie. क्यों मैंने 1 बोला, मैं अच्छा खासा 4 बोल रही थी. आपने मुझे ऐसे 1 पे पता नहीं क्यों. मेरा फोन. उन्होंने बाद में. मैंने बाद में. मेरा दूसरा फोन भाई. अच्छा हाँ मेरे पीछे ही है. मेरे पास कोई फनी सेल्फी नहीं है मैम की. शहाना और मैं पीछे नहीं यहाँ कुछ तो यू हैव टू डू। हाँ शो टू द कैमरा, ये तो अच्छी है फनी, नहीं अच्छी नहीं है, देखो सर दांत दिखाया दांत कुछ मुझे आता ही नहीं है पोस्ट करना। उनके सर के ऊपर स्वामी लिखा हुआ है वैसे, स्वामी वो स्वामी का स्वामी, वो कहेंगे ये इसकी तरह स्माइल करने की कोशिश कर रही है, and she's failing miserably. इसका ये टाइटल होगा, I'm trying to give that nice smile of Shahana and I have failed, I've got 0 out of 100. चलिए
कमिंग टू यू 1 2 6 क्या क्या लेने वाली थी? 3 बोलने वाली थी ना तुम? नहीं 3 और 6 तुम्हारा बचा है, 3 और 4 क्यों नहीं? फोर चलो 4 4 इज मैं आपको 3 दे दूं, चलो 3 दे दो यार, दे दो 3 दे दो मैंने भी से 3 में भी फ्रॉड गिरी बोलो प्यार से बोल रहा हूं आप भी दिल्ली से मैं भी दिल्ली से हां हां टीच मी अ डांस स्टेप टीच मी अ डांस स्टेप गुड फन टीच योर डांस स्टेप यस चलो फिर कोई मटकने मुटकने वाला वही तो अभी जब मैंने कॉर्सेट ही पहना हुआ है तो एग्जैक्टली थक थक के मेरे जियरा तेरे ये सोचो इसको ऑडिशन हो रहा है किसी फिल्म के लिए कि ये देखे शायद मुझे ले ही ले सीरियस रोल्स लोग देते रहते डी ग्लैमराइज करते रहते मैं इतनी कोशिश कर रही हूं सो मच ऑफ हॉटनेस सो मच ऑफ ग्लैमर अभी अभी धक धक में हुआ क्या बात है क्या बात है ना अब आया मजा आप लोगों को बहुत ज्यादा जग गए पूरे जग गए सारी थकान दूर हो गई नेक्स्ट लॉट भी इनको दे दिया जाए नेक्स्ट लॉट मुझे ही दे रहे हैं बोल तो अभी अरे बट ऑन अ सीरियस नोट बिफोर आई गो नहीं तो इसके बाद तो मेरे एडिटर मुझे बोलेंगे बेटा यही कर लो तुम रहने दो बाकी की चीजें सो जेन्युइनली मुझे जो एक चीज सच में जाननी थी ना क्योंकि आपका मूवी आपकी मूवी बहुत इमोशनल है राइट सो जब आपने ये किया इसमें एक फादर का कैरेक्टर भी आप करें डू यू रियली फील कि नाउ दैट यू आर अ फादर एंड देन यू डिड द स्टोरी सो एक कनेक्ट ज्यादा अच्छा बैठा बिकॉज ऑफ दैट देखो अगर मैं बात करूँ कि एक एक्टर को तो शायद आज मैं 2 बच्चों के बाप का रोल प्ले कर रहा हूँ हो सकता है कल को मुझे अपनी उम्र से 40 साल बड़ा वाला रोल कभी करने को मिल जाए तो करूँगा ही मैं पर हाँ जो अंदर से जो इमोशन होता है वो शायद आई थिंक ऐसा होता है कि यू नो जब आप पिता बनते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक एक वो फील तो आता है अंदर से ज़्यादा अच्छे से शायद हाँ होता है ये तो नहीं है माँ इन्होंने बहुत अच्छे से किया बचपन से यही करती आ रही हूँ 22 साल की थी तब 8 साल के बच्चे की माँ का रोल कर लिया मगर इसमें इट्स नॉट जस्ट द मदर थिंग व्हिच इम्प्रेस्ड मी वाज कि जब आप टीवी पे देखते हो और अंदर से होता है ना कि मैं भी उसी तरीके से डांस करूं लाइक दैट बैलेरीना सो वो एक फीलिंग इज दैट समथिंग यू हैव इन जनरल आल्सो लाइक यू नो मन में हमेशा के उड़ने की तमन्ना है हां वो तो है एक्चुअली वो आई थिंक मैं हमेशा मुझे सपने देखना अच्छा लगता है वो नेचुरली मेरा दिमाग इमेजिनेशन में चला जाता है और वो जो उम्मीदें हैं ख्वाहिश है वो बदलती रहती है उम्र के साथ जितना आप अचीव कर लेते हो फिर वो आगे और कुछ ख्वाहिशें रहती हैं लेकिन सपने देखना एक मेरा आई थिंक दैट इज़ व्हाट्स मेड मी मूव अहेड इन लाइफ दैट मैं बच्चों की तरह सपने देखती हूँ कि सपने देखने के लिए सपने देखती हूँ वो पूरे हो साकार नहीं हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन उस देखने उसको इमेजिन करने का ही अपना मज़ा होता है जैसे सब बोलते काला साया छा गया है जो भी यू कॉल इट बॉयकॉट बॉलीवुड और रीमेक्स एंड आई डोंट नो मच अबाउट इट बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन ऑन द पेरिफेरी ऑफ इट सो आप नंबर 2 क्वेश्चन पूछ लीजिए नंबर 2 क्वेश्चन ही पूछ रही हूं बेसिकली कि जब आप ऐसी कोई मूवी लेके आते हो उसका कमर्शियल एस्पेक्ट आप कितना दिमाग में रखते हो कि कमर्शियली बॉक्स ऑफिस पे इट शुड कीप द कैश रजिस्टर रिंगिंग एंड ऑल या फिर आपका जो मेन मोटिव होता है दैट्स जस्ट दैट व्हाटएवर स्टोरी हैज टच्ड योर हार्ट यू वांट दैट स्टोरी टू रीच टू द मैसेस I mean, if that is what my trip was, I would have done other kind of films, you know, these are not, but cash registers is other, I want people to watch it. I want every person to watch it. Aur uska byproduct box office hoga and the producers deserve to get the money, their money back. They've had this faith in me and, you know, together we have produced Applause Entertainment or meri apni company. So, wo alag cheez hai, but I've done it because I'm compelled to tell the story. It's as simple as that. मुझे ये कहानी ये माहौल ये जो चीज़ें इसके अंदर हैं वो छू गई खुद को और वो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ तो जायज़ है कि मैं तो चाहूँगी कि हर इंसान इसे देखे बिल्कुल